अस्सलाम वालेकुम, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9 ए एंड बी. सो आई विल कंटिन्यू चैप्टर एट हिज फर्स्ट फ्लाइट. ओके, प्रीवियसली वी हैव लर्न दैट द यंग सीगल इज फेयरफुल अबाउट फ्लाइंग एज द स्काई इज एंडलेस एंड बिलो द सी इज फार डाउन एंड अगेन एंडलेस. हिज ब्रदर एंड सिस्टर हाउएवर हैव ऑलरेडी फ्लोन वन डे बिफोर. ओके, द सन वॉज नॉट डिसेंडिंग. The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faces the south. So this ledge where the seagull is there, it faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उसको ज़्यादा हीट इसलिए महसूस हो रहा है बिकॉज वो कुछ खाया नहीं था एक दिन एक रात आगे से. ओके, नाउ देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड लेफ्ट इन द स्ट्रॉ नेस्ट. और वो जो नेस्ट में जाकर अपना चेक करता है तो देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्क्रैप. स्क्रैप मीन्स स्टूडेंट यू कैन राइट बिट. एक टुकड़ा भी फूड का नहीं बचा. हिज लिटिल ग्रे बॉडी टॉटेड बैक एंड फोर्थ ऑन द लेज. बैक एंड फोर्थ मतलब होता है टू एंड फ्रो, आगे पीछे होना. टॉटेड मीन्स मूव. सो हिज लिटिल ग्रे बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ ऑन द लेज. ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड सम मीन्स ऑफ रीचिंग हिज पेरेंट्स विदाउट हैविंग टू फ्लाई. और वो बिना उड़े अपने पेरेंट्स को क्या करना चाहता है, अपना पेरेंट्स से वो मिलना चाहता था बिना उड़े. उसको उड़ने के लिए बहुत डर लगता था. बट ऑन ईच साइड ऑफ हिम द लेज एंडेड इन अ. लेकिन हर साइड में लेज जो है वो एंड कैसा होता है, क्या चीज़ में होता है, इन अ शीर फॉल. शीर मीन्स होता है कंप्लीट. ओके, दैट मीन्स कॉर्नर. यू कैन सी द पिक्चर एट पेज नंबर 62. दैट मीन्स एट ईच साइड देयर वॉज अ कंप्लीट फॉल विद द सी बीनीथ. He could surely reach them without flying if he could move northward along the cliff. But then on what he walked, there was no ledge. मगर अगर वो north के साइड जाता है तो वो उन लोग को रीच करेगा. But there was no ledge. लेकिन वहाँ पर क्या है, ledge नहीं. Ledge meaning तुम लोगों ने पढ़ा, a flat rock surface sticking out from a cliff. Mountain से जो flat surface होता है mountain के ऊपर वाला, that is ledge. And he was not a fly and that seagull do not want to fly. He stepped slowly up to the brink of the ledge. He stood on one leg with the other leg hidden under his wing. Now अब ये कुछ ट्रिक करता है. क्या करता है, एक लेग को अपना विंग के अंदर छुपा कर एक लेग में खड़ा हो जाता है. क्लोजिंग वन आई एंड देन द अदर ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अ स्लीप. और एक आँख बंद करके दूसरा आँख से देखता है कि suppose for example ऐसे करेंगे तो क्या मेरे parents मेरे पास आ जाएंगे. बट स्टिल हिज पेरेंट्स टुक नो नोटिस ऑफ हिम. लेकिन पेरेंट्स लोग उसकी तरफ नोटिस नहीं कर रहे. ओके, क्योंकि पेरेंट्स लोग उसको अकेला छोड़ दिए हैं. उसको क्या करना आएगा, उड़ना आएगा. ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू. ना वो देख सकता है दूसरे प्लेटू में उसके सिस्टर और ब्रदर हैं. दे वर डोजिंग विद देयर हेड सन्क इनटू हिज विंग्स एंड दे वर डोजिंग एंड हिज फादर वॉज प्रीनिंग हिज फेदर. प्रीनिंग मतलब क्या होता है, सॉफ्टनिंग. सो पेरेंट्स उन लोगों को जो उड़ कर गए हैं दूसरे प्लेटू में, उन लोगों को बहुत पैम्परिंग कर रहे हैं पेरेंट्स लोग.